तो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो आपको जैसे पता है हमारी RX 100 जो है वो पेंट होकर आ चुकी है। उसके सारे पार्ट जो हैं चेसी वगैरह की सब पेंट हो चुका आ गए हमारे पास। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पेंटेड पार्ट। तो आइए देखते हैं पेंट वाले पार्ट। स्प्रिंग है इसका, ये पीस उसमें था रखा हुआ था। हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारी RX 100 के पार्ट पेंट होकर आ चुके हैं। ये हमारी नैनो गाड़ी है, इसमें उसके सारे पार्ट मैंने रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो जो पार्ट पेंट होकर आए हैं। बहुत अच्छी ही क्वालिटी का पेंट किया है पेंटर ने। ये देखिए, ये सारे पार्ट हमने अपनी नैनो के अंदर भर दिए हैं। कल रात को मैं इनको लेकर आया हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला रात को निकालने का। ये तो मैं आज इसको सारे पार्ट को बाहर निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा इसके वीडियो। इसको हम असेंबल करेंगे सारे पार्ट को। ये सारे चेसी के ब्लैक पार्ट हैं, जो जो ब्लैक पार्ट थे उसने मुझे रात को दे दिए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके ड्रम, जो ड्रम हमने पेंट कराए हैं वो मैंने आगे रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये इसके ड्रम देखो क्या क्वालिटी है पेंट की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, हम इनको गाड़ी से निकालते हैं। और एक चीज की जो दिक्कत आ रही है, मेन दिक्कत ये आ रही है हमें कि ये जो टैंकी है ना, देख सकते हो आप, ये टैंकी है, इसकी जो एक पत्ती है ना, वो पत्ती हमें कहीं नहीं मिल रही। ये पत्ती हमें बनवानी पड़ेगी। ये पेंटर ने मुझे वापस कर दिया है, वो कह रहा है सर आप इसको पहले बनवा के लाइए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कह रहा कि मैं इसको बनवाऊं। चल तू मुझे दे दे भाई, मैं करवा के लाता हूँ इसको आज। इस साइड की तो लगी हुई है, ये टैंकी है, ओरिजिनल टैंकी है यहाँ वाली। इसकी पत्ती का जुगाड़ करना है भाई आज, करेंगे भाई कुछ तो करेंगे, पत्ती का जुगाड़ भी करेंगे इसकी। चलो मिलते हैं फिर आपसे, हम इसको करेंगे आज असेंबल। अब मेरा जो काम है वो ये है कि ये जो हब है ना हमारे, ये हब, इन हब को मैं लेके जाऊंगा आज मार्केट। इनमें तिल्लियां लगवानी है, टायर लगवाने हैं, रिम लगवा के इनको पूरा सेट को तैयार करवाना है। ये तैयार हो जाएंगे तो हमारी जो गाड़ी है अपने टायर पर खड़ी हो जाएगी आज। ये देखिए सारे पार्ट तैयार हैं। ये देखिए आज मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर का बहुत बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं आप सब खड़े। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है रिम की। देखो ये मैंने टायर अपने पुराने ले लिए हैं, ये मेरे पुराने टायर हैं। वैसे तो कंडीशन बहुत ठीक थी, मतलब घिसे तो नहीं है, पर ये पड़े पड़े ना इनमें देखो क्रैक आ गया टायर में, देख रहे हो सारे टायर में क्रैक आ गए हैं। ये भी नहीं घिसा, इसमें भी क्रैक आ चुके हैं, ये देखो। तो इसलिए हम इसमें टायर जो है नए डलवाएंगे, क्योंकि पूरी बाइक जब नई हो रही है तो टायर पुराने क्यों छोड़े। तो टायर भी नए डलवा देंगे हम साथ के साथ। ये देखो ये पड़े हैं आगे हब, तो ये हब पड़े हैं, ये रिम है, रिम हम नए डालेंगे, रिम ये पुराने हैं इसको नहीं डालेंगे, टायर भी नए डालेंगे। बस इसकी जो ट्यूब है, जो इसमें ट्यूब है वो ट्यूब निकालेंगे, ट्यूब इसकी ओरिजिनल लगी हुई है साथ की, ट्यूब निकाल के नए रिम में नए टायर में डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे। तो ये भाई डाल रहा है हमारी RX 100 के हब में तिल्ली। कितनी डलती है एक उसमें तिल्ली है? 36 तिल्ली डलती है एक में। तो ये हब में तिल्ली डल गई है आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में इसमें रिम लग जाएगा, नया टायर डाल देंगे इसमें। हो गया पूरी डल गई। चल अब इसमें क्या लगाएगा, रिम लगाएंगे, साजी लगाएंगे।
ये ट्यूब हम यही डाल देंगे इसमें, ट्यूब हमारी ठीक है। ये टायर मैंने नया ले लिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल नया टायर लिया है मैंने, ये फीएट का टायर है। ये हमारी RX 100 के पीछे का रिम तैयार हो रहा है, तिल्ली लग रही है इसमें। ये कितने साल हो गए आपको काम करते हैं? 26 साल यहीं पर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी RX 100 का काम अभी स्टार्ट हुआ पड़ा है, चल रहा है। उसके पार्ट्स में कुछ और पार्ट्स लेकर आया हूँ उसके, ये देखो, ये है RX 100 का पिस्टन। ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ये ओरिजिनल ही है लगा लो एक तरह से, इससे अच्छा पिस्टन मुझे 100 के लिए और कोई नहीं मिलेगा। ये साइज है इसका, आप देख सकते हैं। ओके जी, ये हो गया RX 100 का पिस्टन। ये है मेरे पास एक RX 100 का स्विच, जो आपका हेडलाइट स्विच होता है, ये देखो, मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ आपको। ये हेडलाइट स्विच है, ये यामा का ओरिजिनल मिल गया मुझे, ये देखिए, ये ओरिजिनल हेडलाइट स्विच है। हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये ओरिजिनल मिल गया मुझे यामा का, अच्छी क्वालिटी है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो और ये देखिए, ये मुझे RX 100 की किट, गैस किट मिल गई है, जो मैं पहले लेकर आया था उसके मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आया उसमें, तो ये मैं दूसरी लेकर आया हूँ किट, ये लगाएंगे अब। ये हो गया RX 100 का 2T ऑयल, ये देखो, ये RX 100 का 2T ऑयल हो गया, ठीक है जी। ये मैं इंजन ऑयल लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो मैं दो तरह के इंजन ऑयल लेकर आया हूँ। एक तो है मोबिल का सुपर मोटो, जो कि बेस्ट क्वालिटी है, इसको मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं इंजन का काम पूरा करने के बाद पहले मैं इस ऑयल को डालूंगा, और कुछ किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर इस ऑयल पे मैं गाड़ी चलाऊंगा, ताकि इंजन का जो भी कचरा होगा वो इस ऑयल में आ जाएगा। उसके बाद मैं इस ऑयल को निकाल दूंगा, इस ऑयल को निकालने के बाद मैं दोबारा से ये ऑयल डालूंगा, देख सकते हो आप, इस ऑयल को मैं डालूंगा ताकि इंजन जो है हमारा पूरा क्लीन हो जाए, उसमें जो भी कचरा होगा इस ऑयल से सारा बाहर निकल जाएगा। ये कुछ बैरिंग है फ्रंट टायर के, बैक टायर के, ये बैरिंग है कुछ, जो कि हम टायर में डालेंगे, हब में डालेंगे, इसके सारे नए डालेंगे। ये ब्रेक के लीवर हैं, फ्रंट और बैक गियर, बैक ब्रेक,
ये हो गए आपका मीटर, मीटर का हो गया ये, जिससे आपका मीटर चलेगा उसकी गरारी है ये, मीटर गरारी। कुछ पार्ट ये हैं, ये देखो आप देख सकते हो, ओरिजिनल यामा का मिल गया मुझे ये, ये भी ओरिजिनल यामा का मिल गया मुझे, ठीक है। तो यही है फिलहाल, बाकी मैं काम स्टार्ट करूंगा और आपको मैं पिस्टन खोल के दिखाता हूँ एक बार। ये पिस्टन है, इसका बोर भी करा दिया मैंने आज, और सबसे अच्छी बात ये हुआ कि मेरे को बिना बोर के ही ये पिस्टन डल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कराना मुझे, हल्का फुल्का बोर कराया ये पिस्टन डल जाएगा उसमें बहुत आराम से, बढ़िया एकदम टाइट पिस्टन है ये, बहुत अच्छा ही पिस्टन है, ओरिजिनल पिस्टन है, हैवी है क्वालिटी। तो आपको मैं कल दिखाऊंगा, कल मुझे जाना है क्रैंक का काम करवाने, वो रह गया आज मेरा, कल मैं क्रैंक का काम कराऊंगा, तब मैं आपको क्रैंक का काम करा के दिखाऊंगा। क्रैंक मुझे ओरिजिनल नहीं मिल रही, बहुत महंगी है, बहुत यामा की ओरिजिनल क्रैंक जो है बहुत महंगी है, कहीं नहीं मिल रही, तो देखते हैं कौन सी हम लगाते हैं उसमें, आपको कल दिखाऊंगा मैं कौन सी क्रैंक लगाएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, बाय। अंकल जी मतलब एक टूर नेपाल का लगाना पड़ेगा हमें, वहां मिल जाएगी। अच्छा ये पिन नहीं डलेगी, ये कौन से साइज की है, एक नंबर है तो ये, इसका मतलब पहली बार खुला है, पहली बार ही खुला है, चलो और रोड की डल जाएगी। ये रोड ओरिजिनल है, अच्छा पहले तांबे की, ये लगा लो 95 मॉडल है और अभी तक जेन्युइन है, क्रोम नहीं आता, अब क्रोम नहीं आता, ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, अच्छा हाँ ये महंगा पड़ता है, तुम्हारी तो यही नहीं होगी बिल्कुल, we'll be right back.
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो गाइस बाय।